दोस्तों स्वागत है आपका मुंबई के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप चक्रवंशी ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूं मुंबई के सबसे फेवरेट प्रेफर्ड लोकेशन पे और मुंबई की आन बान शान मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट। और इसके साथ ही आपको वानखेड़े स्टेडियम का भी नजारा दिखाएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहे, अंत तक देखें। तो इस समय मैं पहुंच चुका हूं नरीमन पॉइंट पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी का काफी सुंदर नजारा है। एक बार मैं आपको एरियल व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ से। दोस्तों ये नरीमन पॉइंट काफी फेमस जगह है, यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर है और शाम को यहाँ का सनसेट काफी फेमस है और बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है। तो चलिए आपको पूरा नरीमन पॉइंट घुमाते हैं, वीडियो में पूरा बने रहे। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये है खूबसूरत नरीमन पॉइंट का व्यू, और यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे वानखेड़े स्टेडियम होते हुए मरीन ड्राइव तक। अगर आप बजट फ्रेंडली टूर करते हैं तो यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले आपको लोकल ट्रेन की मदद लेनी है और आप आ जाएंगे मरीन लाइन स्टेशन। वहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे आप मरीन ड्राइव पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं नरीमन पॉइंट के लिए तो यहाँ का नियरेस्ट बस स्टॉप है मंत्रालय का, वहाँ से आप पैदल कुछ ही दूर तय करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं। आज काफ़ी सुखद एहसास हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इसको ज़रूर एक्सप्लोर करूं और देखूं और मेरी जो प्यारी ऑडियंस है उसको भी ये नज़ारा दिखाऊं। तो ये खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं मुंबई का। इस साइड वानखेड़े स्टेडियम भी है और इसके साथ ही मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं वो भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इस साइड से मैं आया हूँ। दोस्तों अगर नरीमन पॉइंट की बात करें तो ये साउथ मुंबई में स्थित है और यहाँ मुंबई की खूबसूरती को महसूस करने का मौका मिलता है। नरीमन पॉइंट का इतिहास 1950 के दशक से शुरू हुआ था जब यहाँ पे व्यापार और उद्योग के लिए कुछ इमारतें बनाई गई थी। हालांकि आज ये क्षेत्र मुंबई के सबसे फेमस प्लेसेस और व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक है। ये सामने आप देख सकते हैं मुंबई शहर का पूरा व्यू, जो कि मैं आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। दोस्तों ये स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक और तो नीला समुंदर है जो कि मुझे असीम शांति और सुख प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये बड़ी बड़ी इमारतें और ये बिल्डिंग्स जीवन में लगातार आगे बढ़ने और कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्यों मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको लिवा चलते हैं मरीन ड्राइव और बीच में ही वानखेड़े स्टेडियम पड़ेगा, वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वानखेड़े स्टेडियम और ये सामने आप देख सकते हैं कि समुंदर के अंदर मुंबई इंडियंस का नेम प्लेट है जो कि फ्लोट कर रहा है, और ये आप फ्लड लाइट देख सकते हैं, यही है वानखेड़े स्टेडियम। हम पहुंच चुके हैं वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है गेट नंबर 3। और अभी अभी यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो स्टेडियम के अंदर गई है। ये देखिए कुछ पीछे का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा इंटेंशन व्लॉग बनाने का था यहाँ पे मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट का, तो इसलिए मैं आईपीएल का मैच देखने तो नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ। और इस समय आई थिंक 6 बज रहे हैं, तो एक घंटे में यहाँ पे मैच भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो आपने इंटरव्यू देखा ही, यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं।